नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। सीतापुर में नगर पालिका परिषद की घोर लापरवाही सामने आई है, जिसमें पालिका द्वारा कूड़ा उठाने वाले वाहन से क्वारंटाइन सेंटरों पर खाद्य सामग्री भिजवाने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जिस कूड़ा वाहन से पालिका द्वारा खाद्य सामग्री भिजवाने का काम किया जा रहा था, उस पर वाहन संख्या भी अंकित नहीं है। इसे लेकर पुलिस ने वाहन का चालान कर दिया। सीतापुर पालिका प्रशासन एक तरफ तो कूड़ा उठवाने वाले वाहन पर स्वच्छ शहर सुंदर शहर का स्लोगन लिखवाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है, तो वहीं पालिका प्रशासन ही स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ा रहा है। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में 17 मई तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन के चलते गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में जरूरतमंद की मदद की जा रही है। पाली थाना प्रभारी और उनके टीम द्वारा जब से लॉकडाउन लगा है, तब से गरीब और बेसहारा लोगों को खाना खिलाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों को भी खाना खिलाया जा रहा है और उनके राज्यों के लिए उन्हें भेजा जा रहा है। कोरबा पुलिस लगातार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। पाली थाना का अनोखा पहल देखने को मिल रहा है। जब से लॉकडाउन लगा है, तब से ऐसे ज़रूरतमंदों को पाली थाना के स्टाफ और थाना प्रभारी के द्वारा खाना वितरण किया जा रहा है और थाना परिसर में ही खाना बनाकर जिन जो ज़रूरत लोग हैं उनको खाना जो है पहुंचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाली थाना में, लेकिन यहाँ किस तरीके से ज़रूरतमंदों के लिए खाना बनाया जाता है, उसके बाद पैकेट के माध्यम से और पत्तलों में उनको खाना खिलाया जाता है। देख सकते हैं कि अभी शाम के समय है, रात के लिए खाना बनाने की तैयारी चल रही है। हमारे साथ यहाँ के पुलिस अधिकारी SI शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से यहाँ की खाना बनाते हैं, कैसे काम करते हैं। शर्मा जी, यहाँ खाना बनाते हैं, किन किन लोगों को खाना उपलब्ध कराते हैं? जितने पैदल प्रवासी भाई हैं हमारे, जो पैदल चलते हैं, साइकिल में आते हैं, जो थक गए रहते हैं, नहीं चल पाते हैं, उनको विधिवत समय के अनुसार भोजन हम लोग नियमित दे रहे हैं दोनों समय। और जो ट्रकों में जा रहे हैं उनको हम लोग पैकेट देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और समस्त स्टाफ के द्वारा सेवा भाव की तरह ये योजना है हमारी, निरंतर ही जब तक लॉकडाउन रहेगा पुलिस परिवार थाना पाली के द्वारा यह कार्य निश्चित ही किया जाएगा। लगभग रोज कितने लोगों के लिए खाना बनते हैं? और अब तो लॉकडाउन लगभग 50 दिन हो चुका है, तो राशन वासन कैसे किस तरीके से मैनेज करते हैं आप लोग? समस्त पुलिस स्टाफ परिवार है और कुछ यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनके सहयोग से हम यहाँ सेवा भाव का कार्य संपादित कर रहे हैं। 60 से 70 लोगों का भोजन निश्चित होता है। कभी कभी कुछ लोग और आ भी जाते हैं दोपहर को या रात में, तो उनके लिए पृथक से फिर खाना का व्यवस्था हम लोग करते हैं। और खाना बनाने के लिए 3 लोगों की विधिवत रोजी दे करके उनको खाना बनाने के कार्य में लगाए हुए हैं। और लोगों आसपास के लोगों का भी इसमें हमको सहयोग मिल रहा है, जो सब्जी उब्जी अपने यथाभाव अपने इच्छा अनुसार ला करके पहुँचा के दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो है कुछ समाज सेवा भी इसमें सामने आ रहे हैं, तो यहाँ का पुलिसकर्मी भी अपने जो है पॉकेट से लगा कर लोगों की सेवा कर रहे हैं। देखना यह होगा कि किस तरीके से रोज़ जो है 70 से 60 लोगों का जो खाना बन रहा है, जो आने जाने वाले जो मजदूर हैं उनको खिला। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के बीच मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। अपने गांवों में जा रहे मजदूरों के लिए रेलवे ट्रैक पर चलना खतरे से खाली नहीं है। औरंगाबाद में ट्रेन हादसे के बाद RPF और अधिक सक्रिय हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी मजदूर रेल पटरियों के सहारे जा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र की घटना के बाद रेलवे ट्रैक पर मजदूरों की विशेष निगरानी हो रही है। जो मजदूर पैदल पंजाब या फिर हरियाणा से आ रहे हैं, उन्हें रेलवे ट्रैक पर चलने से मना किया जा रहा है। ऐसे में सभी स्टाफ की ड्यूटी आउटर के अलग अलग पॉइंटों पर लगा दी गई। किसी भी हालात में प्रवासियों को रेलवे ट्रैक के पास से नहीं गुजरने दिया, जिसको लेकर गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह सख्त। जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि अगर कोई भी मजदूर रेलवे ट्रैक पर चलता पाया गया तो थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी पर कार्रवाई हो। इस फैसले के बाद पुलिस की टीम रेलवे ट्रैक के पास बैठकर मुश्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रही है।
सहरसा बिहार। कहाँ रहते तुम पहले? पहले तो रहते नरेला, रहते यहाँ रखे थे। यहाँ पे कैसा है नरेला से? वहाँ से पैदल आ रहे थे सर, सबको रोक रखा ना साहब ये। हाँ। आज 15 दिन से हम लोग को इसमें रखे हुए। यहाँ पे किसने रोका था? पुलिस वाले ने उसमें रखवाए थे। अच्छा, आज भगा दिया? बोला कि अभी भगाया, बोला तुम लोग को ट्रेन खुल गया तुम लोग जाओ। नहीं है, निकाल दिया। अब कैसे? अरे वो बोला गाड़ी आया, जाके चढ़ जाओ। कहाँ है गाड़ी? देखो ना गाड़ी कहाँ। औरंगाबाद में ट्रेन हादसे के बाद हुई प्रवासी मजदूरों की मौत के मामले में गाजियाबाद जिला प्रशासन ने टीम से जाकर जिलाधिकारी ने आदेश पारित कर दिया, जिसमें कहा गया है कि कोई भी प्रवासी मजदूर रेलवे ट्रैक के आसपास नहीं चलने देना चाहिए और न ही आना चाहिए, जिससे इस हादसे को बचाया जाए। अगर कोई भी मजदूर के साथ घटना या दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और सभी को सड़क पर गाड़ियों में सवार होकर अपने घर जाना है। रेलवे ट्रैक से दूरी बनाकर रखें, दुर्घटनाओं से बचने के कारण पुलिस ने हिदायत देते हुए दिखाई। औरंगाबाद की घटना के बाद में जिला प्रशासन ने भी कड़े कदम उठाए हैं। हालांकि जिलाधिकारी ने एक आदेश पारित किया है, उनका मानना है कि जिस तरीके से ये जो रेलवे ट्रैक सहित रेलवे ट्रैक पे और सड़कों पर पैदल प्रवासी लोग जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से चलते हैं, उससे कोई बड़ी घटना सामने दोबारा ना आ सके, इसीलिए उत्तर प्रदेश कि गाजियाबाद जिले के जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान कलाधरी नैथानी ने एक ऐसा फैसला और अच्छा फैसला लिया है जिससे कि आने वाले समय में ऐसी कोई परेशानी ना आए, क्योंकि लाखों की तादाद में प्रवासी अपने घर के लिए आवागमन कर रहे हैं। हालांकि रेलवे ट्रैक पर काफ़ी तादाद में और सड़कों पर देखे जा सकते हैं, नेशनल हाईवे पर लगातार उनका आना जाना लगा हुआ है और जिस तरीके से पुलिस और जिला प्रशासन उनकी तमाम तरह की कार्य कर रही है, उनको घर भेजने का कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं ये एक सही और अच्छा निर्णय है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में लगातार ऐसे प्रवासी मजदूरों के साथ में परेशानी आई है। रोज़मर्रा के जीवन जीने वाले लोगों के साथ में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसी के चलते ऐसे रेलवे ट्रैक, बस अड्डा और नेशनल हाईवे पर जैसी जगहों पर जिला प्रशासन ने एक आदेश पारित किया है और तमाम तरह के ऐसे आदेश पारित कर सभी को खास तौर पर हिदायत भी दी गई है, निर्देश भी दिए गए हैं कि कोई भी ऐसा प्रवासी रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक पर ना आए जिससे कि बड़ी घटना सामने आए। हालांकि इस पूरे मामले में जहां यहां तैनात है पुलिसकर्मी, यहां जो प्रवासी आते हैं रेलवे ट्रैक पर, उनको कैसे दूर करने का कार्य कर रहे हैं थोड़ा जाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, देखा जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर लगातार प्रवासी बाहर से आ रहे हैं और घटनाएं दुर्घटनाएं बड़ी घट रही हैं, तो आप लोगों को क्या समझाया गया इस मामले? हमें ये बताया गया है जो भी इधर से ट्रैक से गुजरते हैं उनको हम यहाँ से लेके हाईवे की तरफ मोड़ देते हैं, वहाँ पे हमारी व्यवस्था है, वहाँ पे हमारे चौकी इंचार्ज साहब हैं, वो उन पे वहाँ पे उन्होंने सेलेक्टर रूम बनाया हुआ है, वहाँ पे रोकते हैं, उनकी पानी की खाने की व्यवस्था है और फिर उन्हें किसी भी उस कन्वेंस से भेज देते हैं। तो लगातार आ तो रही हैं प्रवासी ट्रैकों पर, है ना? लगातार चल रही हैं ट्रैक से भी, एक दो आ रहा है, बाकी इधर उधर से लिंक रोड से भी आते हैं ट्रैक से भी कभी कभी, बाकी कम हो गया है, ये है कम है। तो क्या मान के चले कि उससे पहले किसी इतनी बड़ी घटना हुई थी तो इस घटना के उपरांत कि ऐसे घटना दोबारा ना घटे, तो आप लोग किस तरह मुस्तैदी के साथ लोग समझा रहे हैं? बस यही है कि अभी हम समझा रहे हैं लोगों को कि भाई ट्रैक से मत जाओ, आप ये व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था कर रहा है आपके लिए, तो आप ट्रैक से जाओगे रास्ते में आपको ना पता लगे पीछे से ट्रेन आ जाए, यही समझा रहे हैं कि अपना ख्याल रखें। तो हमारे यहाँ गाजियाबाद में तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं है? गाजियाबाद में भी कोई ऐसी घटना सामने नहीं, मगर ट्रैक पर तो लोग लगातार आ रहे हैं ना? ट्रैक पर भी कम आ रहे हैं जब से ड्यूटी लगाई है हमारे यहाँ पर, बहुत कम आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पुलिसकर्मी तैनात हैं और तैनाती के चलते कोई भी रेलवे ट्रैक पर कोई प्रवासी अगर आता है तो उसको यहाँ से हटाने के साथ साथ उनको दूसरी लाइन पर जाने की काम भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात है जिला प्रशासन ने जिस तरीके से यहाँ रेलवे ट्रैक से नेशनल हाईवे पर प्रवासियों के लिए खासे इंतजाम किए हैं, ये एक अच्छा और सराहनीय कार्य है। अब देखना होगा कि प्रवासी किस तरीके से इस रेलवे ट्रैक से गुजर कर दूसरी जगह निकल जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट माजी सिद्दीकी के साथ जावेद चौधरी, लाइव टुडे, गाजियाबाद। ब्रेक के बाद स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते सुल्तानपुर जिले में गरीबों के लिए शुरू की गई कम्युनिटी किचन सेवा बंद कर दी गई है। अब गरीबों को राशन के पैकेज बांटे जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत में ही राशन किट में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई है। जो पैकेट सप्लाई किया जाने वाला था उसमें आलू सड़ा और खराब है। इसके अलावा नमक और दाल की गुणवत्ता भी बेहद खराब पाई गई। इसका खुलासा तब हुआ जब राशन किट नगर पालिका पहुंची। वहीं सूचना पर एसडीएम सदर तहसीलदार के साथ
नगर पालिका पहुंचे और राशन किट की जांच की गई। नोडल अधिकारी एडीएम एफआर उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि खराब राशन किट सप्लाई करने वाली फर्म को ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। हम इधर से निकल रहे थे, नगर पालिका के सभी सभासदों ने बुला करके इस बात को रखा, तो हम भी यहाँ मौके पर आए थे। हमने देखा आलू कुछ सड़ा हुआ है और जो उसमें पैकेट में जो सामान कुछ रखे हुए थे वो कुछ क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं थे। उस पर जो है हमने एसडीएम साहब से बात किया, तो एसडीएम साहब से आप लोगों ने भी जो है जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र सौंपा था कि जो सामान आए हुए हैं जो आपूर्ति हुई है पैकेट का वो अच्छे नहीं है। उसमें जो है हमने एसडीएम साहब से बात किया, तो एसडीएम साहब कहा कि हम वहाँ से भी किट लेके आ रहे हैं, वो भी अपने साथ कुछ किट लेके आए थे, तो वो जो किट जो थे वो आज के थे, आज सप्लाई हुए थे जो है, तो उसमें आलू ठीक पाया गया। जो पहले आलू आए थे 10 दिन पहले जो आलू आया था वो उसमें आलू सड़ गए हैं। ये तो पन्नी में आलू है, पन्नी का जो आलू है तो उसमें कुछ ख़राब हो गया, सड़ गया आलू। और जो आज किट आई है वो भी हमने आलू मंगा के देखा, वो आज वाली किट में आलू ठीक है। तो जो नमक है वो टाटा साल्ट ना हो के टाटा साल्टे नमक है इस तरह से, और बाकी धनिया और ये जो है ये वो है ही है। दाल भी ऐसा लग रहा है कुछ छोटी दाल है। गाजियाबाद का सबसे संवेदनशील इलाका कहलाने वाला मसूरी इलाका ग्रीन जोन में शामिल हो गया, जिसके चलते लोगों ने जिला प्रशासन की तारीफ करते हुए खुशी जाहिर की है। बता दें कि गाजियाबाद में 4 जमाती के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मसूरी को हॉटस्पॉट घोषित किया गया था, तो वहीं पुलिस और स्थानियों की मेहनत के चलते 40 दिन बाद भी कोई शख्स कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया। और जो 4 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे वे सभी ठीक होकर अपने घर आ गए हैं। इसके चलते पूरे इलाके को जिला प्रशासन की शर्तों के आधार पर रेड जोन से ग्रीन जोन में दाखिल किया गया है। वायरस को लेकर जहां एक तरफ पूरे प्रदेश और पूरा देश वहां पर लोगों को बचाने में लगा हुआ है, वहीं गाजियाबाद का ये मसूरी का वो एरिया है जहां पर 11 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। हालांकि बाद में जो रिपोर्ट थी उसमें 7 लोग नेगेटिव आए थे और 4 लोगों को गाजियाबाद क्वारंटाइन किया गया था। तमाम तरह की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने यहाँ के लोगों को उनके परिवार के साथ में सभी को क्वारंटाइन कर उनका इलाज किया था। और तमाम तरह की ये मसूरी का वो कस्बा है जो यहाँ 50,000 से अधिक की आबादी इस नेशनल हाईवे पर कस्बे में है, और यहाँ पे बताया जाता है कि जिस तरीके से सभी लोगों को यहाँ क्वारंटाइन किया गया था तो जिला प्रशासन की तरफ से इस पूरे एरिया को हॉटस्पॉट घोषित किया गया था। 3 अप्रैल से लेकर लगभग 40 दिन तक ये हॉटस्पॉट एरिया में रहा। यहाँ की राहत सामग्री के साथ साथ रोज़मर्रा की सभी चीज़ों को यहाँ के ग्राम प्रधान ने लोगों को सकुशल यहाँ दिलाया और सभी तरह की तमाम लोगों की परेशानियों को दूर करने का कार्य भी यहां के प्रधान द्वारा किया गया। जिला प्रशासन की यहां पर लाख हिदायत थी कि लोग अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, कोरोना को हराना है और जीत कर दिखाना है, और इसी के लिए तमाम तरह के प्रयास भी किए गए। हालांकि जहां पुलिस का भी एक सराहनीय कार्य देखने को मिला है, क्योंकि पुलिस और ग्राम प्रधान की कड़ी मेहनत की वजह से यहां के लोग अपने घरों में रहे और 40 दिन बीतने के बाद यहां कोई भी शख्स कोरोना का नहीं मिल पाया। हालांकि इस पूरे मामले में हमारे से जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ग्राम प्रधान, क्योंकि 40 दिन का जो दंश है इन्होंने कैसे झेला होगा। प्रधान जी, एक तो जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से 40 दिन तक यहाँ हॉटस्पॉट एरिया रहा, रेड जोन में एरिया रहा, और लगभग इतने लोग यहाँ क्वारंटाइन किए गए थे, जमाती भी थे, अब कैसा महसूस रहा कि ये रेड जोन से और हॉटस्पॉट से निजात मिल चुकी है गाँव को? गाँव वालों को तो बहुत बड़ी दिक्कत आई, मगर हमने अपनी मेहनत से लगन से उनको परेशान नहीं होने दिया। उनको जो भी कोई दिक्कत आई हमने अपना नंबर दिए, कोई किस तरह की परेशानी हो हमसे संपर्क करें। हमने रात में भी लोगों को राहत पहुंचाई, दिन में भी राहत पहुंचाई, और लोगों को जैसे ही राहत मिली है लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोगों से बताया है कि कोई दिक्कत हो अब भी हम आपके साथ हैं, और हम सब ग्रामवासियों ने ठाना है कोरोना घराना है, देश को जिताना है। हम ऐसे ही इस कोरोना के पीछे लगे रहेंगे, इसे एक दिन हरा के मानेंगे। हमारे गांव में कोई भी अब पॉजिटिव नहीं पाया गया है। 3 तारीख को सील किया गया था और 10 तारीख को सील हटाई गई, और मैं चाहता हूँ गाँव वालों जो अपने संयम और सहयोग दिया है वो आगे वैसे देते रहेंगे, हम गाँव को विकास की तरफ बढ़ाते रहेंगे। एक बात थोड़ी सी देखी गई है कि देखा गया है कि लगभग 40 दिन तक आपने यहाँ हॉटस्पॉट एरिया में रहे हैं, 11 लोग यहाँ होगा कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, सभी को ठीक हो गया है, और इतने लंबे पीरियड में आप लोगों ने 50,000 की आबादी को कैसे समझाया होगा, कैसे बुझाया होगा, लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है? लोगों को हमने समझाने का बहुत प्रयास किया, लोगों से हमने बताया, सबसे पहले तो हमारा जान है तो जहान है, अगर हम ऐसे इकट्ठे होते रहेंगे तो आज हमारे पीछे है कल तुम्हारे पीछे है, सबकी ऐसी बारी बारी आती रहेगी,
और आपसे दूरी बनाकर रहोगे हम भी बचेंगे आप भी बचोगे। हमारा प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, कहीं जरूरत पड़ी ना प्रशासन को बुलाया, हमारी जरूरत पड़ी हमने बुलाया, जिम्मेदारों को बुला के लेकर गए, लोगों को समझाया आप घरों में रहो, हम घरों में आपको सुरक्षित चाहते हैं, आपको किसी तरह की जरूरत हो खाने की पीने की हम आपके साथ हैं, और प्रशासन भी आपके साथ है। मीडिया कर्मियों को भी हम शुक्रिया करना चाहेंगे, उन्होंने भी हमारे गांव का बहुत साथ दिया है, कोई भी जरूरत पड़ी तो उसको आवाज़ उठाई है ऊपर तक प्रशासन के लिए, तो हम उनके भी बहुत आभारी हैं। और जो है हमारे गांव में अब जो ग्रीन जोन हो गया है तो लोग काफ़ी खुश हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ ऊपर वाले से आगे ऐसा ना हो और लोग सब खुश रहें गाँव के। अच्छा पता नहीं, लास्ट सवाल बात करना चाहूँगा कि रेड जोन का ग्रीन जोन में ये आया है, हॉट स्पॉट से आ रहा है, ईद नज़दीक आने वाली है, तो लोगों को कैसे जागरूक करें कि भीड़ ना लोगों को दोबारा ऐसी परेशानी सामना ना करना पड़े। हालांकि अगर बात की जाए इस रेड जोन से ग्रीन जोन में आने की और हॉट स्पॉट जैसे एरिए की, मसूरी का वो सलामतुल्ला वो गांव है, यहां पर ये पूरा गेट है और तमाम अगर बात की जाए तो 50,000 से अधिक की यहां की आबादी है और लोगों को यहां जागरूक करने का काम जिला प्रशासन के साथ साथ ग्राम प्रधान ने भी बहुत अच्छा किया है और बहुत जल्द इसको रिकवर करते हुए पूरे गाँव में हॉट स्पॉट होने के बाद सभी को संभाल कर उन्हें जागरूक करने का लगभग कार्य किया। आज ये एरिया हॉट स्पॉट और रेड जोन से आज ये ग्रीन जोन में आ गया है, अब लोगों को सहूलियत मिली है, इस रेड जोन से निजात मिली है और जिला प्रशासन का तहे दिल से ये पूरा गांव शुक्रगुजार है। अब देखना होगा कि ईद के मौके पर यहाँ के लोग किस तरीके से लोग इस लॉकडाउन का पालन करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट माजिद सिद्दीकी के साथ जावेद चौधरी, लाइव टुडे, गाजियाबाद। पूरे देश में लॉकडाउन ने प्रवासी मजदूरों की हालत बस से बदतर कर दी है। श्रमिकों के पास लॉकडाउन के कारण काम नहीं है, वहीं वे भूखे मरने की नौबत आ गई है, जिसके बाद जान बचाने के लिए श्रमिक किसी भी तरह अपने अपने गांव लौट रहे हैं। मुंबई के बसे वेस्ट इलाके में पाउडर कोटिंग का काम कर रहे थे, लेकिन काम बंद होने के बाद इन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। इसके बाद 3500 प्रति व्यक्ति किराए के हिसाब से लखनऊ तक के लिए इन मजदूरों ने ट्रक बुक किया और इनमें से 7 प्रवासी मजदूर हरदोई पहुंचे। एक पिकअप करके देर रात हरदोई के जिला चिकित्सालय में अपने स्वास्थ्य के परीक्षण की जांच कराने पहुंचे। इनमें से एक श्रमिक के साथ उसकी 8 महीने की गर्भवती पत्नी भी थी। सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद श्रमिकों को जिला चिकित्सालय में रोक लिया गया, लेकिन देर रात तक कोई अस्पताल कर्मचारी इन लोगों को देखने तक नहीं आया। ये हम लोग मुंबई वसई वेस्ट में रह रहे थे, हम लोग का पाउडर कोटिंग का काम है, अपना महिंद्रा वंद्रा का करते हैं और वहाँ से हम लोग को 40 दिन बैठना पड़ा काम पे, मतलब काम ही नहीं मिला, कंपनी जो भी थी वो पगार देना बंद कर दिया। उसके बाद में हम लोग फिर पैसा मंगाया दूसरी जगह से कैसे भी करके, तो हम लोग है ना 3500 रुपये में ट्रक किया, एक ट्रक में हम लोग 36 आदमी भरे थे और हम लोग को वहाँ से लेकर आया लखनऊ तक। उसके बाद हम लोग एक पिकअप किया और हम लोग को हरदोई तक छोड़ के आए। उसके बाद हम लोग सीधा हॉस्पिटल में आके अपना इलाज जो है चेकअप वकअप कराने के बाद यहाँ से तभी जाएंगे। अच्छा ये बताइए आपके साथ कौन कौन लोग आए हैं और आपकी पत्नी वगैरह जो है क्या उनकी क्या कंडीशन है और क्या आप लोग जो है? मेरी औरत तो बहुत तकलीफ में ही है क्योंकि उसका 8 महीना चल रहा है और पैदल भी चल के आई है, और बाकी सब लड़के हैं वो भी परेशान है ना, कहाँ भी हम लोग जब से चले हैं अभी तक ना नहाया है तो हरदोई की बात खबर के बाद अब बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां अस्पताल में कर्मचारियों की लापरवाही देखने को मिली है। वही रायबरेली की बात करते हैं, जहां व्यापारियों में एक बार फिर खुशी मायूसी में तब्दील हो गई है, दुकानों में कस्टमर नहीं आ रहे हैं। बता दें कि डीएम शुभ्रा सक्सेना ने लॉकडाउन 3 के दौरान दुकानें खोलने का आदेश दिया था। आदेश आने के बाद व्यापारी खुश हो गए थे, लेकिन कस्टमर नहीं आने से व्यापारियों की खुशी मायूसी में तब्दील हो गई। वहीं दुकानों का जायजा लेते हुए हमारे संवाददाता ने व्यापारियों से बातचीत की। जहां लॉकडाउन 3 की मियाद चल रही है, वहीं अगर बात की जाए जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन की कमान संभाल रहे डीएम शुभ्रा सक्सेना ने बीते दिनों एक फरमान जारी किया और उन्होंने इस बात को देखा कि एकल दुकानों को खोलने के भी निर्देश दिए गए। कहीं ना कहीं इस समय आप ही हम लोग मौजूद हैं रायबरेली के सब्जी मंडी मार्केट में, जहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं दुकानें बाकायदा खुली हुई हैं, पर दुकानों पर ग्राहक का ना आना कहीं ना कहीं एक समस्या जरूर ला रहा है। रायबरेली की जो मार्केट है वो पूरी तरह ठप दिखाई दे रही है और जो इसकी गति वो थम सी चुकी है, उसी को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की कुछ दुकानदार। आइए उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या दिक्कतें आ रही हैं और किन इन दिक्कतों को लेकर वो क्या बात कहना चाहेंगे।
भाई साहब आपका नाम जाना चाहिए? मैं गौरव गुप्ता हूँ, सब्जी मंडी निवासी, फैशन मार्केट में रेडीमेड गारमेंट की शॉप है। उद्योग को लेकर क्या क्या दिक्कतें आई इस लॉकडाउन? देखिए, लॉकडाउन के बाद जब हमारे डीएम साहबा ने लॉकडाउन खोलने एकल दुकान खोलने का ऑर्डर दिया तो बहुत खुशी की बात हुई थी। हम लोगों ने बड़े उत्साह के साथ अपनी अपनी दुकानें खोली थी, लेकिन वो धीरे धीरे जो मार्केट में कस्टमर नहीं आ रहा तो वो उत्साह धीरे धीरे गम में परिवर्तन होता जा रहा है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ आह्वान किया और इस बात की भी सहूलियत दी कि 20 लाख देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो आर्थिक पैकेज ऐलान किया है उसका हम दिल से स्वागत करते हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री के द्वारा भेजे गए सारी सुविधाओं का लाभ हम व्यापारियों को जरूर मिले। ये आपकी प्रमुख मांग रहेगी कि जो पैकेज आ रहा है राहत पैकेज, उसमें आप लोगों को भी सहूलियत? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि बड़े उद्योगपति के ऊपर तो सबका दिमाग जाता है, लेकिन जो छोटे व्यापारी होते हैं उनके ऊपर भी उनको इसमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी छोटा व्यापारी खुदरा व्यापारी है। अगर खुदरा व्यापारी को अगर दिक्कत आ जाएगी तो बड़े बड़े स्टोर और मार्ट भी फेल हो जा रहे हैं। जैसे कि हमारे साथ और लोग भी मौजूद आई, उनसे भी जानते हैं कि आखिर उनको भी क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। भाई साहब आपका नाम जानना था? मेरा नाम अभिषेक त्रिवेदी है, मेरे स्मार्ट लुक के नाम से रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है। मार्केट में भी नहीं लग रही है? मार्केट में जब पब्लिक तो ये सोच रही है ना कि अभी भी लॉकडाउन है, बाहर की पब्लिक कोई आ नहीं रही, जो बहुत ही जरूरतमंद है उसको बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, वही एक बार दो बार यहाँ पर देखने आ रहे हैं। कोई मांग करना चाहिए? कोई मांग हमारी गवर्नमेंट से यही है कि जो आप सबको जानते रहे तो उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी अपने ख्याल में रखें। मुख्य बात जो निकल कर आई रायबरेली के व्यवसाय को लेकर के जो राहत पैकेज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात को कहा, उस राहत पैकेज में व्यवसायियों को भी थोड़ी जगह मिलनी चाहिए। अब देखने वाली बात रहेगी इस खबर के बाद आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है। अखिल श्रीवास्तव, लाइव टुडे, रायबरेली। तो आपको बता दें कि भले ही रायबरेली में डीएम के आदेश के बाद राहत मिली है दुकानदारों को, लेकिन ग्राहकों के ना पहुंचने से काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दुकानें तो खुली है लेकिन दुकानदारों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ग्राहक कहीं ना कहीं कोरोना के चलते खरीदारी करने से बच रहे हैं। बता दें आपको कि डीएम शुभ्रा सक्सेना ने लॉकडाउन 3 के दौरान दुकानें खोलने के निर्देश दिए थे।